स्विच है इसको लगा लिया है, ये जो मॉड्यूल स्विच है BS3 का, इसको लगाने के बाद जो इसकी वायरिंग है आगे मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी वायरिंग जो है ये आ रही है आगे, जो BS3 का है मॉड्यूल स्विच, उसमें हमने फ्रेंड्स 4 वायर निकाल लेनी है। जो ये मॉड्यूल स्विच है, ध्यान से सुनिए, ये जो मॉड्यूल स्विच है इसमें से हमने 4 वायर निकालनी है। 4 वायर कौन सी हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये वायर है जो ग्रे वाली, ये ग्रे वाली निकालनी है, फिर येलो, येलो एंड रेड, और रेड एंड वाइट। ये सिर्फ 4 वायर निकालनी है, इन 4 वायरों का ही काम है। इन 4 वायरों को कहाँ पे अटैच करना है उसको मैं आगे बताता हूँ आपको। इनमें से सबसे पहले तो ये मैं जो ब्लू वायर है मैं पीछे से लेके आया हूँ, टेल लाइट की है, टेल लाइट की है, इसको हमने यहाँ पे अटैच किया है। ये जो हमारा हेडलाइट का आपने देखा ही होगा, ये हेडलाइट में लग जाता है, हेडलाइट में जो लगता है उसमें देखो ये वायर आ रही है एक येलो एंड ग्रीन, जो ये है हमारा इसमें येलो एंड ग्रीन, इसमें आपने इस येलो एंड ग्रीन को हमने सबसे पहले अटैच करना है येलो रेड के साथ, येलो रेड, और वहीं से उसी में एक एक्स्ट्रा वायर जो हमने ली थी कम से कम 1 मीटर या 1.25 मीटर, 1 मीटर वायर बहुत होगी, 1 मीटर वायर कोई भी कलर की ले लो, उसको इसके साथ अटैच करके येलो रेड के साथ और येलो ग्रीन के साथ अटैच करके आपने पीछे लेके जाना है, जो मैं पीछे अब दिखाता हूँ आपको, जो हमारा टेल लाइट की है, टेल लाइट को बंद करेगा, मैं पीछे दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी टेल लाइट है, जो हमारा ये फ्यूज का, ये फ्यूज का होता है, इसमें जो ये छोटा वाला कपलर होता है, ये छोटा वाला कपलर, इसको आप निकाल लो, इजी निकल जाएगा। ये निकलने के बाद इसमें आपने देखा होगा एक वायर आती है येलो एंड ग्रीन, ग्रे, ये येलो ग्रे, ये टेल लाइट की है हमारी, जो पीछे ब्रेक लाइट जिससे अपना ब्रेक लगाते हैं या फिर हेडलाइट ऑन ऑफ करते हैं उसके साथ जलती है, वो है ये। ये देखो, ये वो ब्लू वायर जो फ्रंट से लेके आए थे हम, वो यहाँ पे मैंने लगा दिया इसके साथ और टेपिंग कर दिया। हमने सिर्फ यही वायर निकालनी है और कट नहीं करना है इसको, इसको निकालने के बाद आपने यहाँ पे अटैच कर देना है, जो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा वीडियो में कि कैसे लगाना है इसको, आपने कैसे निकाल के कैसे लगाना है। और उसके बाद मैं फ्रंट में आपको दिखाता हूँ पूरी वायरिंग के कहाँ पे है, कैसे किसको किस वायर को कहाँ पे जोड़ना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, दूसरा हमारा जो ये जो टाइगर आई है, ये वाले, ये पायलट लाइट भी बोलते हैं इसके, इसकी दोनों की जो लाइटें होती हैं वो वायर होती हैं वो इसमें होती हैं। ये देखो, ये हमारा इसी के साथ में इस तरह का ये होता है, देखो ये निकल गया पूरा ही, मैंने निकाल दिया था। तो ये देखिए, इस तरह के दो आपको मिल जाएंगे, मैं पर उस साइड से निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो है इस तरह का है, इसमें से ही आपने ब्लैक कलर की वायर निकालनी है। इसमें दो वायर होती हैं ग्रे, इसमें दो वायर होती हैं, ये देखो मैंने निकाल दिया इसको, जो हमारा राइट साइड का है उसमें दो वायर हैं ग्रे एंड ब्लैक, और दूसरी ब्लैक, ये देखिए ब्लैक, जो ब्लैक वायर है हमने ये ब्लैक निकालनी है, ग्रे को उसी तरह इसमें लगा देना है, सेम उसी तरह। ये देखिए एक दूसरा भी वहीं पे होता है, ये देखिए ये है दूसरा, ये जो है यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा, इसमें से भी आपने, ये देखिए यहाँ पे भी वही सेम वायर है ग्रे एंड ब्लैक, और ये मैंने उसमें से भी निकाल ली, ब्लैक वायर निकालनी है, उसमें से भी आपने ब्लैक वायर निकालनी है।
और ब्लैक वायर निकालने के बाद अब है बात मीटर वाली वायर की। जो मीटर की वायर है वो जो मीटर का बल्ब है, मीटर का बल्ब ये इसमें ये जो वाइट वाला कपलर होता है इसके अंदर आती है। ये देखिए ये ऊपर से वायरिंग आ रही है तार की, ब्लैक वायर की सीधी इसमें, ये ब्लैक इसमें। आप बल्ब से भी चेक कर सकते हैं, ब्लैक वाली वायर निकालनी है हमने। ये आपने मैंने ये पहले निकाल लिया, आपने इसमें से भी निकालनी है। जो पायलट लाइट की ब्लैक हो गई वो ब्लैक वायर, ये जो मीटर की लाइट है उसकी भी ब्लैक वायर, और जो साइड में लेफ्ट और राइट की जो है वो उसकी ब्लैक। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ये ब्लैक वाला कपलर आपने बात ध्यान से सुननी है, जो ये ब्लैक वाला कपलर है इसमें से निकालनी है ग्रीन वायर। ये देखो ये ग्रीन वाली, यहाँ से ये ग्रीन वायर निकालनी है, ग्रीन निकालनी है। ग्रीन निकालने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी वायर कहाँ जोड़नी है। इसमें से सिर्फ आपने ग्रीन वायर निकालनी है, और फ्रेंड्स एक वायर रह गई है हमारी अम्पेयर मीटर की। तो फ्रेंड्स अम्पेयर मीटर की जो वायर है वो जो ये पीछे पीछे एक ये वाइट कलर का कपलर दिया हुआ है, इसमें जो ब्लैक वायर है ये देखिए, इसमें एक इसमें चार वायर हैं, रेड येलो रेड और ग्रे एंड ब्लैक। ये जो ब्लैक है हमने इसमें भी ब्लैक वायर निकालनी है, इस तरह का बड़ा इसमें ये थिम्बल होगा, ये हमने निकाल लेनी है ऐसे। ये वायर ये अम्पेयर मीटर की है वायर, जो ये वाइट वाले कपलर में मिलेगी इसमें। और इसमें जो ये ग्रे वायर है, जो हमने ये चार वायर निकाली थी इनमें से जो ग्रे वायर है, मेन काम इसी का है, हमने इसी के साथ अटैच करनी है ज़्यादातर वायर। ये जितनी भी ब्लैक वायर निकाली है हमने, जितनी भी ब्लैक वायर निकाली है ये सारी ब्लैक वायर हमने इसके साथ अटैच कर देनी है ग्रे वायर के साथ। जो ये ग्रे वायर है जो हमारे मॉड्यूल स्विच में से ग्रे वायर निकाली थी। और फ्रेंड्स जो हमने वायरिंग पीछे से ली है, जितनी भी ये वायरिंग है इन सब को, इन सब वायरिंग को कोई भी वायरिंग छूट ना जाए। ये वायरिंग 1 2 3 4 ब्लैक वायर जो पीछे से आ रही है हमारी अम्पेयर मीटर की, मीटर लाइट की, और ये जो पायलट लाइट है इसकी, जो हमारी पार्किंग लाइट भी बोलते हैं इसको, उसकी वो यहाँ आएगी, जो हमारी ग्रे वायर के साथ अटैच होएगी। ग्रे वायर के साथ अटैच होने के साथ ही एक नीचे से जो ये बल्ब आता है, ये हमारा ये भी पार्किंग बल्ब होता है, ये भी हमारा ये वायर निकलेगी, ये वाली ये ब्लैक वायर निकलेगी इसमें से। ये जो ब्लैक वायर है ये इसमें से भी ब्लैक वायर निकलेगी, ये इस तरह से निकल जाएगी। ये ब्लैक वायर हमारी अटैच होगी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स वो वायर जोड़ने के बाद जो हमारा ये पार्किंग का बल्ब है इसमें इस तरह से बनाना है हमने, इसको इसमें अटैच करके इस तरह से ये लगाना है। ये लगाने के बाद ये वायर जो दूसरी है उसकी, जो ध्यान से सुनो, जो पार्किंग के साथ वायर हमने निकाली थी वो लगा दी थी रेड एंड वाइट के साथ, और जो दूसरी उसकी थी ये, इसको लगाना है हमने ग्रे वायर, जो हमारा जो 3 BS3 का जो इसमें से चार वायर निकाली थी उसमें जो ग्रे वायर थी, जिनमें हमने ये पीछे की सब वायर जोड़नी है, कॉमन वायर, ये कॉमन वायर है, हमने इसके साथ इसको अटैच करना है। इसको किसी भी तरीके से आप अटैच कर लो, ये देखो इस तरह से अटैच हो जाएगी। बाकी वायर भी इसके साथ अटैच होकर टेपिंग हो जाएगी, ये इसके साथ होगी, बाकी जितने भी वायर है वो भी इसके साथ, और बच गई हमारी दो वायर। ये जो ये है ये दो वायर, इसमें मैंने ये बताया था आपको कि पीछे से मैंने वायरिंग ये नीली जो हमारी टेल लाइट है वो लगा दी थी, और दूसरी है येलो एंड ग्रे, ये है इसकी, ये जो हमारे हेडलाइट की है, हेडलाइट की येलो एंड ग्रे, ये वाली वायर हमने इसके साथ येलो एंड रेड के साथ लगा दी। ये हमारी हेडलाइट की है, जो लो बीम रहती है उसकी है, ये यहाँ लगा दी है इसको। और अब रह गई ये वायर, येलो वायर,
ये येलो वायर हमने लगानी है, ये जो ग्रीन वायर है इसके साथ। मैं आपको ये भी लगा के दिखाता हूँ। एक्स्ट्रा वायर हम इसलिए ले रहे हैं, ये देखिए, इसको यहाँ से और साथ के साथ टेपिंग, इसको हमने ग्रीन वायर के साथ, ये जो ग्रीन वायर थी हमारी, इस तरह से ग्रीन वायर के साथ हमने इसको अटैच कर देना है। और उसके बाद उस पर टेपिंग कर देनी है हमने। और फ्रेंड्स, एक मैं आपको बात बतानी भूल गया था, जो हमने ये नीचे से ग्रीन वायर निकाली है, ये नीचे से जो ये यहाँ से ब्लैक, इसमें से जो हमने ग्रीन वायर निकाली है, इसी के नीचे से जो इस ग्रीन वायर के नीचे वायर लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसके फ्रेंड्स नीचे थी जो, वो थी इसकी वायर हमारे हेडलाइट की, ये वाली येलो एंड ग्रीन, इसके नीचे ये वाली वायर लगी थी जो हमने येलो एंड रेड के साथ अटैच कर दी थी वायर, इसी के नीचे इस ब्लैक कपलर के नीचे लगी हुई थी, ग्रीन वायर के साथ अटैच थी ये। फ्रेंड्स सब इस तरह से अटैच करने के बाद लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, ये वायरिंग मैंने छोड़ दी थी, जो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये अटैच करनी है, जो हमारी ग्रे वायर कॉमन है, जिसमें ये ग्रे वायर कॉमन है, इसके साथ आपने अटैच कर देनी है। ये देखिए, ये बड़ा, ये हमारी हेडलाइट का बल्ब का जो है, इसको इसको भी, और जो हमारे पीछे से ये जो चार वायरिंग आ रही हैं, अम्पेयर मीटर की, मीटर की, और हमारी पायलट लाइट की, ये देखिए, एक दो तीन और एक ये चार, चारों ब्लैक वायर हैं, चारों ब्लैक वायर को हमने जो हमारी कॉमन वायर है ग्रे, उसके साथ लगा देना है, जो ये है इसको आपने इस तरीके से लगाना है कि लूज ना रहे, जिससे ये पॉइंट कोई बंद ना हो जाए। उसके बाद टेपिंग कर देनी है आपने। और फ्रेंड्स अब टेपिंग के बाद आपने इसको एज इट इज बंद कर देना है, जो ये कपलर है हमारा BS3 का, जो नीचे से इसकी प्लग आ रहा है, उसमें आपने इसको बंद कर देना है। ये बंद होने के बाद फ्रेंड्स, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि हमारी जो हेडलाइट की हाई बीम की है, हाई बीम की वायर ये है, ये ब्लू वाली है, ये ब्लू वायर हाई बीम की है, जो हमारे ब्लैक कपलर में लगी हुई है, ये हाई बीम की है। इसी के नीचे, इसके नीचे मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, ये जो ब्लू वायर आ रही है, ये येलो और ब्लू वायर, एक ये इसके साथ ये नीचे आ गई है, जो हमारी येलो एंड ब्लू हमारी इसके साथ अटैच हो गई है हाई बीम की, ये देखिए। और दूसरी उसके साथ ही ये एक छोटी वायर दी हुई है, जो वाइट, इस वाइट वाले में जा रही है, ये देखिए, ये वाली छोटी वायर जो वाइट में है, ये छोटी वायर है हमारी हाई बीम, जब हम करते हैं उसमें जो हमारी मीटर लाइट में ब्लू लाइट जलती है, हाई बीम को शो करती है, वो उसकी वायर है, और ये हमारी हाई बीम की वायर है। फ्रेंड्स इसको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, इसको मैं इसलिए नहीं छेड़ रहा हूँ क्योंकि इसको हमें कट करना पड़ेगा, हर हाल में कट करना पड़ेगा, कट किए बिना ये नहीं होगा, और हाई बीम की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ हाई बीम को, क्योंकि इसमें वायर कट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी से इसको बंद करके आपको रिजल्ट दिखाता हूँ इसका। तो फ्रेंड्स ये बंद हो गई है हमारी, तो अब इसमें
चाबी ये मैंने ऑन की है, चाबी चाबी ऑन करने के बाद जैसे ही मैं ये ऑन करता हूँ, ये देखिए मैंने ऑन किया है, ये टाइगर आई जल गई हैं, ये दोनों जल गई हैं और हमारी पार्किंग लाइट जल गई है। और जैसे ही हम ऑन करेंगे स्विच को तो लाइट जल जाएगी, ये हाई बीम लो बीम, और वैसे ही ऑफ करते सारी ये देखिए ये ऑफ हो गई है। और मैं अब आपको बैक लाइट दिखाता हूँ, और मैं जैसे ही फ्रेंड्स ये लाइट देखो ये अभी पार्किंग जल रही है, जैसे ही हेडलाइट जलती है उसके साथ ही फ्रेंड्स ये जल गई है, देखो ये वाली लाइट जल गई है, और जैसे ही मैं स्विच ऑफ करता हूँ तो ऑफ हो जाती है। ये पार्किंग लाइट जब जलेगी तब उसके साथ नहीं जलेगी, लेकिन जब हेडलाइट जलेगी तो हेडलाइट के साथ ये जलेगी। और इसी तरह फ्रेंड्स हमारे जो मीटर की लाइट है ये भी वही सेम, जैसे ही ये पार्किंग लाइट जलाएंगे जलते ही सारी ये देखिए यहाँ पे लाइट जल गई है, ये देखिए। और वैसे ही एम्पेयर हमारी एम्पेयर की लाइट एम्पेयर मीटर की ये भी जल गई है। हमारी एम्पेयर लाइट मीटर लाइट और पायलट लाइट ये सब एक साथ जलेंगी, और सामने जो यहाँ की पायलट लाइट है ये सब एक साथ जलेंगी। और जब पूरी जला देंगे तो पूरी जल जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।